सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा नंदवानी आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ ये बेसिक स्पॉन्ज केक इन कुकर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम कितना सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है, आप ऐसे बनाएं, ट्राई करें। मुझे जो ड्राई इंग्रेडिएंट चाहिए वो है, उनको मिक्स कर लेती हूँ। एक कप मैदा चाहिए हमें, 1/4 कप चीनी और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये है कोको पाउडर। तो हम इस सबको पहले मिक्स कर लेते हैं। एक कप 1/4 कप चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा चॉकलेट कलर ज़्यादा देना चाहें तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून। और अब इसको मैं सीव कर लेती हूँ। अब ये सीव हो चुका है, इसको साइड रख लेते हैं। अब हम वेट इंग्रेडिएंट को मिला लेते हैं। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए फिर से। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट को मिला लेती हूँ। तो उससे उसके लिए सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क। ये 1/4 कप घी है, देसी घी। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, आप जो भी इसमें ऑयल डालना चाहें, बटर डाल सकते हैं। तो ये मैं 1/4 कप ले रही हूँ और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब इसमें मैं ये 1/2 कप दूध और डालूंगी। अब इसमें हम धीरे धीरे करके इसको मिक्स करेंगे। अब ये सारा बैटर हमारा, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपका बैटर थोड़ा सा टाइट हो तो आप उसमें दूध और डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें, कोई लम्स नहीं रहे। हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, हमें और दूध की जरूरत नहीं है इसमें। इस तरह से सारे किनारे से इसको एक बार हटा लें, मिक्स कर लें अच्छे से किनारे पर जो बैठ चुका है।
और इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालें। वन फोर टीस्पून और अच्छे से इसको मिक्स करें। फ्रेंड्स तब तक मैं, मेरे पास ये कुकर है, मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। मैंने इसकी रबड़ भी उतार दी है और इसकी विसल भी उतार दी है। आप इसके अंदर नमक डालना चाहें। इसके अंदर नमक डालना चाहे डाले, नहीं तो ऐसे ही गर्म करें। अब मेरे को जिस बर्तन में रखना है मैं उसमें रख रही हूँ। मैं कोई टिन यूज नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही स्टील का कोई डिब्बा यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप इसी तरह से कोई भी बर्तन अपना यूज कर सकते हैं। और यही एक सेफ तरीका है इस तरह कुकर में कढ़ाई में बनाने का, इस तरह से बनाए। अगर ओवन नहीं है इसको चारों तरफ से कोट कर दें अच्छे से। और अब इसमें मैं मैदा डस्ट कर देती हूँ। इस तरह से ये देख सकते हैं फुली कोट हो गया है। अब ये हम इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे। इसमें मैं ये थोड़े से काजू है और किशमिश है और थोड़े से अखरोट है, वो इसमें मैं डाल देती हूँ। आपकी मर्जी हो तो डालें, और अगर नहीं डालना चाहते हैं, आप आइसिंग करना चाहते हैं इस केक पर, तो आप इसे मत डालें। हल्का सा इसको टैप करें, थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें। और अब इसको हम अपने कुकर में रखते हैं। तो मैंने अच्छे से गर्म ये हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर में स्टैंड रख देती हूँ। इसको मैं इस तरह उल्टा करके रख देती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर में केक का टिन रख दूंगी। और इसको मैं बंद करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी इसको मैं। अब मैंने इसको बंद कर दिया है और बिल्कुल ही मैंने स्लो फ्लेम पे इसको रखा है। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप हमारा केक। और हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर आया है। इस जगह से भी हम देख लेते हैं, ये देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल केक रेडी है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और हम इसको इस तरह से ठंडा होने देंगे। अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया, इसको हम ठंडा होने देंगे इसी तरह से, फिर इसको निकालेंगे इससे बाहर। अभी आप देख, ये ठंडा हो चुका है, इसकी हम साइडें हम कट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छुड़ा लेते हैं। ये देख सकते हैं बनकर रेडी है हमारा केक। अब इसको हम कट कर लेते हैं।
लीजिए, बनकर तैयार है हमारा केक। आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है। आप ऐसे बनाएं, ट्राई करें। तो चलिए।